वेलकम बैक टू फाइव टॉकिंग पॉइंट्स ऑन जलमी टीवी। आपने देखा कि हम प्री और पोस्ट मैच शो कर रहे हैं एशिया कप 2023 पर विद आवर वेरी स्पेशल एनालिस्ट। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आई थिंक एवरीबॉडी इज सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज इट विल बी अ बैटल बिटवीन much awaited battle between Pakistan or India. I think sirf Pakistan ya Indian fans isko nahi dekhenge aur enjoy karenge balki puri duniya bhar se log isko baith kar apne gharon mein restaurants mein ikatthe hoke aur you know it's kind of like a celebration usko dekhenge aur jin logon ko cricket pasand bhi nahi hai wo bhi is match ko mein tune in karke usko zarur dekhenge. We know ki in the past their rivalry and their matches have been so enjoyable to watch. So to talk in detail regarding this match, you know, before the match does start, we're going to move on to our panelists and talk to them. Hamare guests jo hamare saath is waqt maujood hain five talking points mein, wo hain Pakistan ke international former cricketer Wahab Riaz. Assalamualaikum Wahab bhai, thank you for joining us. Waalaikum assalam Mike, thank you very much for having me. और फिर हमारे पास हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, काफी फेमस इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, विक्रांत गुप्ता. विक्रांत, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे. थैंक यू बेक. आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल द शोज एशिया कप में और आई होप वर्ल्ड कप में भी हम लोग इसी तरह से जुड़ेंगे. दैट वुड बी ग्रेट. और फिर हम आते हैं टुवर्ड्स राहुल रावत जो एक और बहुत वेल नोन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के. सो इट्स रियली नाइस टू हैव इंडियन पीपल जॉइनिंग अस ओवर हियर एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राहुल. थैंक यू वेरी मच महक. इट वाज नाइस डूइंग द शो द यू नो अर्लियर. इंडिया पाकिस्तान से पहले मिलना, दो आप बॉर्डर के उस पार हैं, हम लोग इस पार हैं. आई होप देखा जाए फिर आगे क्या होता है. बिल्कुल, डेफिनेटली. अच्छा, बात आपने छेड़ दी है पाकिस्तान इंडिया की, तो हमने इसी के बारे में बात करनी है आज. आई थिंक हम सबके एक्साइटमेंट लेवल्स हैं वो बिल्कुल ही हाइटन हो गए हैं. और क्यों नहीं होंगे, हमें पता है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है. बेशक आप क्रिकेट फैन हो या ना हो, आप फिर भी उनको देखेंगे. पाकिस्तानी इंडियन हो या ना हो, फिर भी देखेंगे. और आई मीन उनकी राइवलरी इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स. So let's not wait any further. Let's start talking about it. सबसे पहले तो I'm just gonna drop the bomb and ask you, Vikrant, कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, पाकिस्तान की इंडिया? अब मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ. मैंने आपको straight forward पूछ ली है, पहला question है. नहीं देखिए, ये बड़ा debate हमारे studio में भी थोड़ी देर पहले हो रहा था. मैंने कहा अगर आप man to man कागज पे देखेंगे तो इंडिया भारी है. मतलब इंडिया का जो पेपर है, जो मैन टू मैन आप देखेंगे, उसमें आप पेडिग्री की बात करते हैं, आप तजुर्बे की बात करते हैं, आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, फिर आप बिग मैच देखते हैं, तो उसमें तो इंडिया है. बट समहाउ मुझे लगता है कि शायद इस मैच में पल्स पाकिस्तान की बेटर है. उसकी वैरायटी ऑफ रीजंस. एक, आपने जो नेपाल को पहला मैच खेला, लोग कहेंगे यार नेपाल की टीम क्या है. बट टीम जैसी भी है, आपने रन बनाने और आपने आउट करने, वो आपने किया. दूसरी बात, आई थिंक अफगानिस्तान अगेन को बहुत बड़ी ओपोनेंट नहीं है, लेकिन अब उन कंडीशंस में, यानी कि श्रीलंका में, एक ऐसी सीरीज जीत कर आए जहां पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पुश किया. और मेरा हमेशा ये मानना है कि बड़ी टीम को अगर कंपैरेटिवली छोटी टीम पुश करती है और बावजूद इसके बड़ी टीम मैच निकाल के ले जाती है, तो दैट मीन्स कि वो हारना नहीं जानते, हारना नहीं चाहते. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान मौजूदा, बिकॉज इंडिया ने ना समहाउ दो साल सिर्फ T20 पर फोकस किया, टेस्ट क्रिकेट के अलावा. इन्होंने तब ये कहा कि वनडे थोड़ा रिडंडेंट है, वनडे की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. फिर वो वर्कलोड मैनेजमेंट आया, अचानक से वनडे क्रिकेट आया. और मुझे बड़ी हैरानी हुई वेस्ट इंडीज में जो मैचेस थे जिसमें विराट और रोहित की बैटिंग नहीं आई. मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा यार आप आइडियली चाहोगे, क्योंकि वो दोनों इस फॉर्मेट में वैसे बहुत खेले हैं लेकिन हालिया नहीं खेले थे. तो दो तरह की तैयारी होती है. जो पाकिस्तान को मैं देखता हूँ, पाकिस्तान ने अपने 11 खिलाए 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 खिलाते रहे कि भाई आप ही हो, आप अपना अपना रोल समझ लाओ. इंडिया शायद एक छोटी सी गलती कर रहा था कि वो 12, 13, 14, 15वां प्लेयर उनको तलाशते रहे, देखते हैं यार ये कौन हो सकता है, देखते हैं यार वो कौन हो सकता है. उससे मुझे संभव लगा कि शायद इंडिया ने अपनी 11 को मुकम्मल तौर पर अपने अपने रोल पर नहीं खिलाया हालिया. तो वहाब भाई, डू यू एग्री कि आपको लगता है कि इतने बड़े इवेंट से पहले आपको इस तरह एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए? और जो टीम जेलिंग और टीम बॉन्डिंग होती है और एक साथ एक दूसरे के साथ खेलना और अंडरस्टैंड करना एक टीम स्पोर्ट में लाइक क्रिकेट कितना जरूरी होता है. सो वुड यू एग्री विद विक्रांत? ठीक है, आई डू एग्री कि आपका एक पूरा जो है, जब आप टीम बनाते हैं ऑन द पेपर्स, तो उसमें ये होता है कि आपको पता होता है मेरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 से 11वें नंबर तक कौन होगा.
और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें कि आई टोटली एग्री के जी आपके जो मेन प्लेयर्स हैं विराट और रोहित, इनका खेलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू ऑलवेज टॉक अबाउट इंडियन टीम देर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट, बट मोस्टली दे ऑलवेज टॉक अबाउट के जी दे आर डिपेंडेंट ऑन टू थ्री प्लेयर्स, जिसमें एक विराट आते हैं, जिसमें एक रोहित हैं और के एल राहुल थे, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखें, आई थिंक जो सेटबैक इंडिया को मुझे फील हुआ हुआ वो रविंदर जडेजा का हुआ, स्पेसिफिकली जब 2022 के वर्ल्ड कप में वो लोग नहीं खेल रहे थे और उसके बाद से उनकी ये कोशिश थी कि हम किसी ऐसे प्लेयर को बैकअप में रखें कि अगर जडेजा, या क्योंकि देखें अगर वी टॉक अबाउट इंडियन टीम, जो इस वक्त सूर्य कुमार यादव हैं 5 पे, 6 पे पांड्या और 7 पे जडेजा, सो यू नो दैट इज अ कॉम्बो जो वनडे टीम में आपको चाहिए। यू नीड दैट पावर हिटिंग, यू नीड दोज एक्सपीरियंस प्लेयर्स ओवर देयर एंड इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान टीम। सो आई थिंक इंडिया को मैंने जितना फॉलो किया है बिलीव के दे हैव स्टार्टेड टू लुक इनटू फॉर द रिप्लेसमेंट्स, कि अगर ये नहीं होते बिकॉज उसका एक ऐसा सेट बैक हुआ, ऑब्वियसली इंडिया प्लेड द ऑलवेज दे हैव प्लेड द सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, बट उनको सेट बैक ये हुआ कि अगर उनके मेन प्लेयर्स को कुछ हो जाता है, और उन्होंने इतना खिलाया पिछले कुछ अरसे से, अगर आप कोहली को देख ले, रोहित शर्मा को देख ले, जडेजा को देख ले, तो यू विल कम टू नो कि ये लोग पिछले काफ़ी सालों से जो है वो रेगुलर मेंबर है इंडियन टीम का। वेन एवर द टीम इज अनाउंस तो आपको ये प्लेयर्स वहाँ पे ज़रूर नज़र आते हैं। इवन अगर आप हार्दिक पांड्या की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो भी 2016-17 से इंडियन टीम में खेल रहे हैं और खेलते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बट बात जो कर रहे हैं विक्रांत भाई के, ऑब्वियसली T20 क्रिकेट इज ऑलवेज डिफरेंट टू द वनडे फॉर्मेट। T20 है उसमें सिचुएशंस नहीं होती, वनडे में यू हैव टू प्ले द सिचुएशंस, और ऑब्वियसली उस मैच को पूरा लेके चलना, उसको बनाना, उसमें बॉलर्स का पूरा होना, बैटिंग को कैसे लेके चलना है, तो यू नो इट इज मोर मोर लाइक यू नो अ डबल वर्जन ऑफ T20 क्रिकेट। तो आई टोटली एग्री के जी जब कॉम्पिटिशन पास हो तो यू हैव टू मेक और यू हैव टू प्ले योर बेस्ट 11 ताकि टीम को कॉन्फिडेंस आता रहे। बिल्कुल। अच्छा राहुल, आप क्या कहेंगे इन दोनों की ओपिनियन लेके, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सवाल आपका ये था कि कौन आपको फेवरेट दिख रहा है, अगर आप मुझसे सीधे सीधे पूछे, मैं मानता हूं कि आज इंडिया फेवरेट है। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान के फेवर में एक चीज ये जाती है कि उन्होंने एज अ यूनिट सेम कॉम्बिनेशन के साथ कुछ वक्त से वो खेलते आ रहे हैं, इंडिया को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि आपके खिलाड़ी रेस्ट करते थे इंडिया के, कुछ इंजर्ड हो जाते थे, बाकी बीच में एक जो बोन ऑफ कंटेंशन को एक पेज जो फंसा हुआ था वो था आपका मिडिल ऑर्डर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें इंडिया का, अगर आपने बेस्ट टॉप 4 चुनना होता वो आपका अवेलेबल है, उसमें शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और श्रेयस अय्यर है, उसके बाद केएल राहुल एक मिसिंग कॉग है इस व्हील के। उसके बाद आप देखिए जैसे वाहब भाई ने बोला कि रविंद्र जडेजा वो अवेलेबल हैं, रविंद्र जडेजा वही चीज करते हैं जो काफी हद तक शादाब आपके लिए करते हैं, ऑफ कोर्स शादाब इज अ रिस्क स्पिनर, बट इंडिया की ये जो खिलाड़ी हैं ये ओडीआई क्रिकेट के माहिर हैं, जो इंडिया के मैं टॉप ऑर्डर बता रहा हूँ। इनका ये था कि ओडीआई क्रिकेट वॉज देयर ब्रेड एंड बटर, फिर हम कहते थे कि T20 के लिए सूटेबल नहीं है, ये फलाने फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है, बट आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इनको T20 कि इनको ओडीआई सिखाना है। देखिए शुभमन गिल जो थे जब वो आए थे, व्हेन ही अराइव्ड इनटू द सीन, वो आए उनका लोग कहते थे कि यार ये ना वनडे के लिए सूटेबल है, उन्होंने वो सोच बदली, उन्होंने लोगों की सोच बदली जिस हिसाब से उन्होंने T20s में बैटिंग करी। भाई बांग्लादेश के खिलाफ ये शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं अभी, अगर आज नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने 150 बनाए हैं, हम बात कर रहे हैं उसकी, बट शुभमन गिल भी 200 लगाकर आए हैं एक, उसके बाद उन्होंने 700 लगाए हैं पिछले 8-9 महीने में। उसके बाद हम रोहित शर्मा की बात करते हैं, फॉर्मेट एंड दैट टू अक्रॉस फॉर्मेट, शुभमन गिल रोहित शर्मा का ओडीआई पिछले मॉडर्न डे क्रिकेट अगर हम बोले पिछले 10 साल में उन्होंने जिस हिसाब से खेला है, उन्होंने इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स पता भी नहीं चला उनके 28-30 सौ हो चुके हैं। विराट कोहली आज भी ही हैज टू बी द बेस्ट बैटर इन ओडीआई क्रिकेट, उनको ओडीआई क्रिकेट खेलनी आती है, चलानी आती है। इंडिया को अक्सर जो मैचेस इंडिया ने जीते हैं या जिताए गए हैं वो इंडिया ऊपर से जीतता है। पाकिस्तान का मुझे लगता है अगर आप बोलिंग अटैक बोले तो वो रिदम में है, वो बॉल डाल रहा है, इंडिया का बोलिंग अटैक कागजों पर बहुत अच्छा दिखता है,
इट इज एट पार विद पाकिस्तान, जस्ट दैट उन्होंने रेगुलरली उतनी बॉल डाली नहीं है. स्पिनर्स अगर मुझे अगर आप बोलें कि भाई कुलदीप यादव या फिर शादाब, तो मैं शायद से सिर्फ स्पिनर के तौर पे कुलदीप को पिक करूंगा, बट यूटिलिटी शादाब की बेहतर है, एज इन वो बल्लेबाजी भी करते हैं, इज एन एक्सीलेंट फील्डर ऑल्सो. सो इट्स इवन स्टीवन, अगर आप मुझसे पूछे, इंडिया आर फेवरेट्स. ओके, चलिए अब यू नो अगर हम बात कर रहे हैं विक्रांत, मेरे पास आपके लिए ये सवाल है कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, इट्स नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड. इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं तो दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड. तो इन दोनों का आमना सामना रख के आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द ऑड्स जस्ट थिंकिंग ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक और इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है? मैं हमेशा ये मानता हूँ मैं कि क्रिकेट ना चार खानों में खेली जाती है. जैसे अभी भी आप अपनी स्क्रीन देखेंगे, हमारे चार खाने हैं, चार बॉक्सेस हैं. तो क्रिकेट में क्या है कि मेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग, आपकी बैटिंग आपकी बॉलिंग. ये हकीकत है कि शायद इंडिया की बैटिंग ताकत है, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ताकत है. यानी कि आपकी ताकत आपकी बॉलिंग है, हमारी ताकत हमारी बैटिंग है, वो खाने आमने सामने. कभी कभी क्या होता है कि जो ताकत वाले खाने नहीं होते, मतलब जो कंपैरेटिवली हम कहें कि इंडिया की बॉलिंग शायद इफी है और पाकिस्तान की बैटिंग शायद इफी है, कभी कभी मैच वो चीज डिसाइड कर देती है. कैसे कि सपोज कीजिए पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली, तो फिर आपकी बॉलर्स पे इतना प्रेशर आ जाता है कि क्या आप इस टोटल में आप रोक सकते हैं, ये चीज हो जाती है. सेकेंडली जहां तक पाकिस्तान की बॉलिंग की बात है, आई थिंक आपकी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, आपकी बॉलिंग हमेशा विकेट टेकिंग रही है. और चूंकि वहाब ही है हमारे साथ, और वहाब खुद यू नो एक एक मैं विटनेस नहीं कहूंगा, वाइटल हिस्सा रह चुके हैं नहीं, और हाँ वही अहम किरदार था इनका. कितने वर्ल्ड कप्स आप देखिए भाई, सेमीफाइनल जो यहाँ पे मोहाली में था 2011 में, वहाब ने 2011 में, मुझे अभी भी याद है, वहाब ने एक स्पेल इन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के मैच में. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा चेज नहीं कर रहा था, इन्होंने टेरर फैलाया हुआ था, टेरर था जिसे कहते हैं ना, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के धुएं निकाले हुए थे. तो वहाब के पास वो तजुर्बा है, आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स थे, बट इंडिया की बैटिंग काफी मजबूत रही. और पिछले डेकेड में अगर आप देखें बैटिंग के बूते इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया पाकिस्तान को. तो मैं वहाब भाई से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका बॉल भी हिलता था, और आपके हाथ में जब नया बॉल होता है तो आप जानते हैं कि इंडिया की ताकत है 1-2-3. ठीक है, आप शिखर धवन नहीं है, लेकिन वहाब भाई जैसे शुभमन गिल की राहुल ने बात की, या रोहित और विराट है. पाकिस्तान कितना सेंस करता है शाहीन से कि वो पहला ओवर डालते हैं, अगेंस्ट इंडिया भी उन्होंने अच्छा बॉल डाला है, और एक खौफ तो रहता ही है ना लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसका बॉल अंदर आएगा. आपके लिहाज से शाहीन का कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस मैच में? दूसरी बात ये कि शाहीन थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे, हारिस राउफ को भी मैंने देखा बाहर चले गए थे, क्या वो प्रिकॉशनरी था कि यार 25-30 ओवर की ही टीम है, ज्यादा अपने आप को आप मत लोड डालो? देखें शाहीन इज ऑलवेज बीन अ इंपैक्ट बॉलर, और ऑब्वियसली हमने देखा है कि बॉल जिधर भी स्विंग हो रहा हो, वो सिर्फ इंडियन टीम या इंडियन बैट्समैन की बात नहीं है, दुनिया में कोई भी बैट्समैन होता है वो स्ट्रगल करता है. और स्पेसिफिकली हमने शाहीन को देखा है कि किसी भी टीम के अगेंस्ट उसने नया बॉल किया तो ही हैज बीन वेरी इफेक्टिव. कमिंग टू दैट पॉइंट, देखें T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में डिफरेंस है, और दैट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वनडे एंड T20. क्योंकि T20 में यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू गो फॉर द रन्स, आपको शॉट्स खेलने हैं, आपको मोमेंटम क्रिएट करना है. वनडे में क्या है कि यू कैन ऑलवेज सर्वाइव द न्यू बॉल, यू कैन टेक योर टाइम एंड देन यू कैन ऑलवेज एक्सेलरेट ऑन द पैडल और फिर आप रन्स कर लेते हैं. शाहीन, मैंने पहले भी एक दो जगहों पर बात की है कि शाहीन का इम्पैक्ट, ही बिकॉज ही इज एन इम्पैक्टफुल बॉलर, और आप देखें जब वो नए बॉल पे आउट नहीं करता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है विकेट लेने में. वंस इफ यू डोंट गिव विकेट टू पाकिस्तानी बॉलर, स्पेसिफिकली टू शाहीन इन द स्टार्ट, देन यू विल सी के पाकिस्तान के अगेंस्ट लंबे रन्स बनते हैं. उसकी एक एग्जांपल थी जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान ने 300 कर दिया था. उसकी खास वजह यही थी कि शाहीन नए बॉल पर आउट नहीं कर सके थे. सो आई थिंक इंडिया, क्योंकि वी हैव ऑलवेज नोन इंडिया और इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, देन अगेन कमिंग ऑन टू वनडे क्रिकेट एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट, जो वनडे क्रिकेट का एक्सपीरियंस है वो हमारे जितने भी बॉलिंग लाइनअप है उसका एक्सपीरियंस इज लेसर देन इंडियन टीम, और इंडियन बैट्समैन का वो एक्सपीरियंस इज वे हाई. क्योंकि आप देखें तो 200+ मैचेस हो गए इन सबके इंडियन बैट्समैन के. सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटजिक टाइम के इंडिया पाकिस्तान के नए बॉल को कैसे सी ऑफ करता है, एंड देन दे विल हैव अ लॉट ऑफ चांस
कि वे दे विल कम एंड दे विल स्कोर रन्स। अगर हम पास्ट में देखें तो वसीम अकरम, वकार यूनिस नया बॉल करते थे, वी हैव ऑलवेज सीन शुएब अख्तर साहब थे, तो वी हैव ऑलवेज सीन के नए बॉल पे अगर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, इफ दे हैव कंट्रोल्ड द स्विंग, तो उसके बाद इंडिया हैज कम वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप्स। और ये एक रियलिटी है कि हम लोग इंडिया से ऑब्वियसली अभी तक वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में अभी तक हम लोग उनसे नहीं जीते, लेकिन ये वही टीम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की, जिसने ये मोमेंटम तोड़ा, जो एक चल रहा था उसको तोड़ा पिछले साल T20 क्रिकेट में। सो वो बहुत बड़ा फर्क होगा कि नए बॉल पे अगर शाहीन को विकेटें नहीं मिलती तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप किस पे डिपेंड करती है ज्यादा। आई थिंक फिर वो गो टू मैन होगा हारिस रऊफ, क्योंकि ही हैज स्पेस, ही हैज बाउंस, ही इज स्किलफुल, तो ही कैन बी एन अदर इम्पैक्ट बॉलर, लेकिन शाहीन का इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपकी मैक बात के पाकिस्तान और इंडिया का हमेशा होता रहा है कौन स्ट्रांग है कौन नहीं है, देखिए इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स बेसिकली, कैसे जो है वो प्रेशर को हैंडल कैसे किया जा सकेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन बैट्समैन कैसे उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने थ्रू आउट इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, एक्सपीरियंस देखें तो उनका इतना ज़्यादा है, उनको पता है कि किस बॉलर पर अटैक करना है, किस टाइम पर रन करने हैं, कौन से बॉलर को टारगेट करना है, तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट। 20 ओवर है, अगर आपके दो जल्दी आउट हो भी जाते हैं, आप मारने जाते हैं, एकदम मोमेंटम क्रिएट होता है। 50 ओवर में मोमेंटम आपने अपने पास ही रखना है। इट इज़ मोर लाइक अ टेस्ट मैच सिनेरियो वेयर अगर आप एक आधे सेशन में मोमेंटम दे देते हैं तो आप मैच ही हार जाते हैं। सो वनडे क्रिकेट को आई ऑलवेज सी लाइक दिस, इट्स ऑलवेज अ मोमेंटम गेम, और इसमें मोमेंटम को कंटिन्यूसली अपनी तरफ रखना पड़ता है। और व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेज इंडियन बैटिंग, तो फिर वो मुकाबला वैसे ही देखने का बड़ा मजा आता है, क्योंकि यू नो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट, मगर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब हम रात को सोचते हैं जब इंडिया का अगेंस्ट मैच खेलना होता है तो वी ऑलवेज थिंक कि यार हमें करना क्या पड़ेगा, हाउ डू वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज बैट्समैन जो सॉलिड इतने ज्यादा है, जो हमेशा बैटिंग विकेट्स पे खेले और उनके पास इतनी मतलब शॉट्स इतने अच्छे हैं कि यू नेवर नो कि कहाँ से कौन सा शॉट खेल देते हैं। So, you know, that is going to be a good match between Pakistan and India. I think it's Pakistan bowling versus Pakistan Indian batting. That is very important. Lekin at the same time, aap Indian bowling ko bhi ignore nahin kar sakte. I think Bumrah ke aane se wapis, I think it will be more impactful bowling now, jo Indian jo miss kar rahe the pichle kuch arse mein. Definitely, Bumrah is an asset to them. Acha, Vikrant, I and Rahul, ab aap dono ko, I'm going to hand over the show to you guys, aur aap log discussion karenge Wahab bhai ke saath about the much awaited Pakistan versus India match, jo hum bahut excited hain dekhne ke liye. And I will see you guys next time. Thank you so much for joining us, but please continue your discussion, and I will see you all most likely in the post match show. तो अब ये हो गया, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही किसी शो पे, अपने ही किसी चैनल पे हो गए और वहां भाई हमारे गेस्ट हो गए हैं, मतलब हम खुद आए थे गेस्ट और हम मेजबान बन गए वहां भाई। और राहुल मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आप पे तो जिम्मेदारी है, वैसी बहुत है। सही, अब आप देखिए अभी तक दो दो का मुकाबला चल रहा था, वहां पे भी दो, हालांकि आप अकेले भी हम पे भारी पड़ेंगे हर हालातों में, क्यों नहीं? मैं बारी नहीं पढ़ूंगा, ऑब्वियसली आई विल बी जस्ट टॉकिंग मोर व्हाट क्रिकेट सेंस इज। आई नो कि जब भी पाकिस्तान इंडिया की बात आती है तो यू ऑलवेज ट्राई टू यू नो सपोर्ट योर ओन कंट्री, और हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जीते। उसकी खास वजह ये होती है कि पाकिस्तान इंडिया डोंट प्ले रेगुलरली, अगर ये चीज़ें रेगुलरली हम लोग खेल रहे हो तो आई थिंक फिर ज़्यादा मिल जाता है आपको बात करने के लिए, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ओनली एशिया कप और ICC इवेंट्स, तो उसमें फिर आपके पास यही होता है कि यार मेरी टीम जीते और मेरी टीम अच्छी है, और वो ऑब्वियसली हम लोग आई थिंक वो हमारा हक भी है कि हम उस पर बात करें। बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट के बात जो जेन्युइन है वो हमें करनी चाहिए, हम लोगों को स्टैट्स पे जाना चाहिए। स्टैट्स क्या आपको बताते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन किधर वीक है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड डिस्कशन एनीवेज। नहीं, मैं एक सवाल राहुल अगर इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कम मिलती हैं, मैं इसलिए कह रहा था कि आप शुरुआती दौर में विराट के खिलाफ खेल रहे थे, विराट एक यंगस्टर के तौर पर आए, शुरुआती दौर आपने देखा, फिर आपने बाबर के शुरुआती दौर में उनके साथ क्रिकेट खेली है, तो आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये कॉन्टेक्स्ट तो होता ही रहेगा कि बाबर और विराट में से बड़ा कौन है,
हम कहेंगे देखो विराट ने 75-100 बना दिए हैं, बाबर तो अभी आ रहे हैं, विराट अपनी जर्नी के काफी आगे जा रहे हैं, बाबर ने जर्नी स्टार्ट की है, तो आज कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन वहां मैं आपसे एक गेंदबाज के तौर पर, एक टीममेट के तौर पर, एक ओपोनेंट के तौर पर जानना चाहता हूं, जो शुरुआती दौर में आपने विराट को देखा और जो शुरुआती दौर में बाबर को देख रहे हैं, आपको इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस दिखता है? मुझे जो सिमिलैरिटी लगती है वो एक चीज है विक्रांत भाई के, आई थिंक द हंगर फॉर सक्सेस एंड द हंगर फॉर मेकिंग रन्स फॉर देयर कंट्री, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग आपस में इतना ज्यादा खेलते नहीं, एज आई सेड कि हम लोग आईसीसी इवेंट्स में ज्यादा खेलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द वर्क एथिक्स आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड ऑब्वियसली आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज फ्रॉम विराट के हाउ ही अडॉप्टेड ऑल दीज थिंग्स। जब वो आया था ही वॉज अ वेरी फंकी काइंड ऑफ अ गाय, क्योंकि 19 वर्ल्ड कप से आया और उसके बाद आया इंडियन टीम में मौका मिला, सचिन तेंदुलकर जैसे स्टार्स जो है उनके साथ खेलने का मौका मिला, युवराज सिंह जैसे लोगों के साथ खेलने का, एमएस के साथ खेलने का, सहवाग, गौतम, यू नेम ऑल ऑफ दोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसमें आना, उस चीज़ में एडजस्ट करना, उसमें एडजस्ट करके अपनी क्रिकेट को बेहतर करना, अपनी क्रिकेट को सीरियस लेना, हर T20 में उसको फ्रेंचाइज क्रिकेट में उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी विराट को, देन ही केम इन और फिर वहाँ पर उसका परफॉर्म करना, सो आई थिंक देयर वॉज अ हंगर। और अभी भी आप विराट को ग्राउंड में देखें तो यू विल फील लाइक यार ही इज़ वेरी हंग्री, वेदर इट्स बॉलिंग वेदर इट्स बैटिंग, इट्स ही इज सो मच हंग्री एंड ही सो मच वॉन्टेड एवरी थिंग टू गो हिज वे। विराट ने जिन प्लेयर्स में निकल के इतने बड़े नामों में जो अपना नाम बनाया, आई थिंक दैट इज समथिंग कैपिटलाइज्ड ऑन एंड दैट शोज हिज सीरियसनेस एंड कीननेस टुवर्ड्स हिज गेम। और वही चीज़ मुझे बाबर में नजर आती है कि वो स्कोर करता वो थकता नहीं है, स्कोर करता उसकी भूख और बढ़ जाती है। So, you know, that is the difference. And obviously, Babar has started off, Virat has played 10-15 years of his cricket world now. And uski sabse achhi cheez ye hai ki whatever he has scored, specifically agar uski centuries ko hum dekhe, to they are more on the winning side. Jidhar usne team ko akele hi leke gaya aur usne matches jitwaya. So, I think the difference is like ki Babar is cheez ko kitna zyada aur capitalize karta hai. Aur agar wo karta rahega, to mujhe nahi lagta ki aaj jidhar Virat hai, Babar ko wahan pe pahunchne mein koi mushkil hogi. हाँ भाई, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है जब भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का, हर कोई शुरुआत में उनसे एक दिन पहले एक रात पहले पूछता है कि कितना बड़ा मैच है, नर्व्स हैं आप लोग, कितने नर्वस हैं, बटरफ्लाई इन द स्टमक, ये सब चीज़ें। और जवाब वहाँ से ये आता है कि देखिए हमारे लिए मैच इंपॉर्टेंट है, इट इज़ जस्ट अनदर मैच। जस्ट अनदर मतलब जितना इंपॉर्टेंट दूसरा मैच है उतना ही इंपॉर्टेंट ये मैच भी है। क्या ये वाकई में होता है और इज़ इट जस्ट टू डिफ्लेक्ट जो भी हाइप हो रही है अराउंड इंडिया पाकिस्तान? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बहुत बार उस सिचुएशन में रह चुके हैं। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आई थिंक वैसा माहौल तो कभी नहीं देखा होगा। इंडिया पाकिस्तान के इतने सारे मैच हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता वाह भाई कि 2011 में जब वर्ल्ड कप यहाँ पे सेमीफाइनल में मोहाली में आप लोगों ने खेला था, वैसा कुछ कभी किस माहौल कभी पहले बना होगा। तो एक रात पहले, उसके बाद ऑफ कोर्स आपने दोबारा खेला इंडिया पाकिस्तान का मैच, दोबारा आपने खेला, बड़े ओकेजन्स पे खेला, एक रात पहले क्या आप विजुलाइज कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है और वो होता क्या, माहौल क्या होता है? राहुल, अगर मैं 2011 की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हम इंडिया में थे और ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पसेस से हमें यहाँ तक कहा गया था कि आपने जो होटल रूम के जो अपने कर्टन्स है वो भी पीछे नहीं हटाने। और जब आप टीवी ऑन किया मैंने, और ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़ा, वो दे हैव अ लॉट ऑफ टीवी चैनल्स एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह द मैन इन फॉर्म, सचिन तेंदुलकर, रोहित, गौतम गंभीर, सहवाग। सो यू नो हमारे 8 दिन थे या 9 दिन का स्टे था इंडिया में उससे पहले, तो यू नो, और हम, मुझे ये शौक था कि मैं इंडियन मूवीज देखूँ ना, कि अपना माइंड डाइवर्ट करूँ कहीं पे। लेकिन व्हेन एवर यू टॉक सी द टीवी, तो हर बंदा बात करे विराट ये कर देगा, युवराज ये कर देगा, वो ये कर देगा, बॉलिंग में जहीर खान ये कर देगा। सो यू नो दैट वॉज लाइक, आप सुन रहे होते ना तो यू फील लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम कुछ नहीं करने आए, हमारे से हम क्या करेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट, फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी प्लेयर ये कहे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और मैं नर्वस नहीं हूँ, इट्स जस्ट अनदर गेम, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। दैट इज एन अदर वे ऑफ यू नो अपने अपनी आपके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको दूर करने के लिए, दैट इज अनदर रीजन वेयर यू कम अप एंड से कि दिस इज जस्ट अनदर मैच, ताकि कोई ये ना फील करे कि मैं अंडर प्रेशर हूँ। नहीं,
मेरा जब तक मैं लास्ट मैच खेलता हूँ, आज के दिन भी मैं मैच कोई खेलूंगा तो मेरे मेरे पेट में वो बटरफ्लाइज आती हैं, क्योंकि अगर वो ना आए तो फिर उसका यू नो यू विल नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल रहता है। और फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इतना बड़ा मैच, दैट वॉज माई फर्स्ट एवर मैच आई वॉज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, तो जो क्राउड था आई वुड से कि इतना अमेजिंग क्राउड मैंने नहीं देखा कहीं पे भी खेलते हुए। लाइक आई प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो जो क्राउड और उसकी जो बस थी, आई कैन नॉट फॉरगेट। और उसकी वजह भी यह थी कि जब आउट होता था तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मोहाली के स्टेडियम में कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ, और जब सिंगल भी होता था तो ऐसे लगता था पता नहीं क्या हो गया। सो यू नो दैट इज वेरी डिफरेंट विजुअलाइजेशन होती है। मैं हर रोज यही विजुलाइज करता था बातें सुन के, कि मैंने बस आउट करने, मैंने बस आउट करने, मैंने बस आउट करने, और हर प्लेयर विजुलाइजेशन करता है, और मैच से पहले होती है। लेकिन क्या होता है, ऑन द डे अगर आपकी चीज़ें स्टार्टेड टू वर्क टूवर्ड्स यू, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, इफ़ नॉट तो फिर आपका दिन बुरा गुजरता है। लेकिन विजुलाइजेशन भी होती है, प्रेशर भी होता है, और मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि दिस इज जस्ट अनदर मैच, मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं। वो एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान इंडिया, वो एक्साइटमेंट लेवल ही डिफरेंट है। सही बात है। खैर वाह भाई, इंडिया पाकिस्तान, हम तो जिस दिन से एशिया कप के स्केड्यूल आया है या फिर पता लगा कि स्केड्यूल होगा, तो सब लोग यही था कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। किसी ने जिक्र भी नहीं किया कि बांग्लादेश, श्रीलंका अपने खुद घर पे, ऑफकोर्स वो क्वालिफायर है, और भी टीमें हैं, बट कैंडी में मुकाबला है, बारिश की बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेसर्स का, अगर आप मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी, राहुल आपकी आवाज जो है वो डिस्टॉर्शन की वजह से आ नहीं रही, आप पूछ सकते हैं आगे। नहीं मतलब राहुल ये जानना चाहते थे कि कैंडी में, चूंकि बरसात की फोरकास्ट, इम्कान ये है कि शायद बरसात हो सकती है उस मैच में, तो वो कह रहे हैं कि वो कंडीशन, क्योंकि आई थिंक आप पहले कले में खेले हैं, शायद 11 वर्ल्ड कप में आप शायद वहीं पर बेस थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपके मैचेस कुछ थे, तो उन कंडीशंस में तेज गेंदबाज, प्लस क्या ओस गिरेगी, क्या ओस गिरेगी, ये दो तीन चीजें वो आपसे जानना चाहते थे। देखिए कैंडी में मैच है, बिकॉज मैंने कैंडी में खेला है, एक तो उसकी इट्स अ गुड बैटिंग ट्रैक बेसिकली, बॉलर्स को हेल्प कम है, बाउंस होता है, लेकिन आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी गुड बैटिंग ट्रैक। सेकेंडली वहाँ पे बहुत ज्यादा ओस होती है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब वहाँ पे लंका प्रीमियर लीग खेली है, तो पानी ओस बहुत ज्यादा है, और दैट इज अ बिग मैट बिग इशू इन श्रीलंका, और ऑब्वियसली द टीम बैटिंग सेकंड विल ऑलवेज बी इन दैट एडवांटेज। वाह भाई, आई एम श्योर आप क्रिकेट से तो खैर जुड़े ही हैं, पेशावर जलमी के साथ भी जुड़े हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान में, तो बस मुझे नहीं पता आपकी कितनी मसरूफियत ऑफकोर्स रहती ही होगी, इंडियन क्रिकेट को आप कितना फॉलो कर लेते हैं। केएल राहुल बाहर हो चुके हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि आपने खेला हुआ है कैंडी में भी, आप उस मौसम का, विकेट का जिक्र कर रहे हैं, अगर आपको इंडिया के बोलर्स, गेंदबाज पिक करने हो, तो इंडिया का बोलिंग अटैक क्या होना चाहिए इस पाकिस्तान अटैक के साथ, बैटिंग के अगेंस्ट, आप तीनों जो बुमराह, शमी, सिराज, तीनों को खिलाएंगे, या फिर आप कहेंगे बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथन करने के लिए मैं एक पेसर की कुर्बानी दे देता हूं और अक्षर पटेल या फिर शार्दुल को मैं खिलाऊं? नहीं, मैं अपने पूरे 5 बॉलर्स के साथ जाऊंगा। मैंने पहले बताया ये 50 ओवर्स है, और इसमें आपके पास 6वें बॉलर की ऑप्शन होना जरूरी है, जो कि आके अपने कोई कम से कम 4 से 5 ओवर्स कर सके। लेकिन आई बिलीव कि अगर आपको वन डे गेम मैचेस जीतने, तो यू नीड विकेट्स, एंड यू नीड विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल। फॉर दैट आपके पास पूरे 5 बॉलर जरूर होने चाहिए जो 10-10 ओवर कर सकते हैं। So I will definitely go with Siraj. He is a very improved bowler. He has proved that in recently test series. The character he has shown, that is very amazing. To be very honest, specifically jo Australia mein aap log test series jeet ke aaye. Shami, again, a wonderful campaigner of Indian team. Bade arse se one day mein he's the main wicket taker, leading bowler hai. Bumrah ke aane se Indian team obviously bahut zyada strengthen hogi, so I will definitely go with these three, plus I will go with Jadeja for sure, aur phir uske baad KL Rahul ka na hona, that can be a disadvantage to India, because he is experienced, he has performed recently very well, and he can handle that pressure really well. Maine uske against khela tha 2019 ke world cup mein bhi, to he looks a very solid player, aur middle order mein you know you need somebody like him. I think wo thoda sa india ko kahin na kahin, I believe ke wo thoda na unko setback zarur hoga, lekin
इफ आई हैव टू पिक इंडियन बॉलिंग, तो मैंने आपको बताया आई विल मेक ऑल सिराज, शामी, बुमराह, जडेजा, आई विल प्ले ऑल फोर ऑफ देम। राहुल जाते जाते अगर एक सवाल मैं पूछ पाऊं, और एक सवाल बड़ा सिंपल है जो करोड़ों इधर उधर है, शो तो हमारा ही है ये। मैं तो ये सोच रहा था कि वाह भाई को जाते वक्त क्या बोलूंगा, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो या फिर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो नहीं मैं आई विल से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। नहीं पर एक सवाल है अभी थैंक यू करने से पहले, वो ये है कि एक चीज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से डरे और एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से डरे, एक एक फैक्टर जो एक्स फैक्टर आपको दोनों टीमों से लगता है। पाकिस्तान को रोहित शर्मा को जल्दी आउट कर लेना चाहिए। रोहित शर्मा को आप अगर देखें तो कंसिस्टेंटली ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान कंसिस्टेंटली वनडे क्रिकेट में, और जो पाकिस्तान को करना चाहिए आई बिलीव के पाकिस्तान को बाबर आजम को और इमाम को नया बॉल इंडिया का सी ऑफ करना चाहिए अच्छे तरीके से। मतलब दोनों एस्पेक्ट्स में आप नई बॉल की बात कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स वर्सेस रोहित शर्मा, उधर आप बात कर रहे हैं कि इमाम बाबर वर्सेस इंडिया के नया गेम, मतलब वही exactly. पहले 8-10 ओवर आपको लगता है बैटल ऑफ नर्व्स, पहले 8-10 ओवर में गेम इधर उधर जा सकती है दोनों तरफ। एग्जैक्टली जा सकता है। देखिए अब हमें आउट जो भी टीम पहले 10 ओवरों में इम्पैक्ट क्रिएट करेगी वो मैच को यू नो उसकी ग्रिप मैच पे ज्यादा होगी जी। उसकी वजह यह है कि नए बॉल पे अगर आप इंडिया के आउट कर लेंगे तो वी नो के अनडाउटली के बैटिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन प्रेशर जो है वो आ जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट के, क्योंकि देखिए शुरू में क्या था कि पहले आपके पास शिखर धवन थे, आपके साथ रोहित शर्मा थे, फिर आपके पास विराट कोहली थे, तो आप पीछे रिकॉर्ड निकाल के देख ले तीन प्लेयर्स थे, जब जब ये खड़े रहे हैं इन्होंने बड़े रन बनाए हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जो पूरी बारी लेते हैं और मैच को एंड तक लेके जाते हैं। सो जब ये तीन जन आउट हुए तो इंडिया में बैटिंग लाइनअप उसने कहीं ना कहीं स्ट्रगल जरूर की है। ऑब्वियसली अब आपके पास वो माही जैसा फिनिशर तो नहीं है अभी बीच में, जिसको हम बात करें कि वो हो तो फिर डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो भी तीन पहले अपने मेन प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, फखर, इमाम और बाबर के ऊपर। रिसेंटली उन्होंने बहुत स्कोर्स किए हैं, अगर आप देखें जब जब वो लोग आउट हुए पाकिस्तान टीम हैज हार्डली कम एंड स्कोर्ड 300 रन्स, क्योंकि उनके ऊपर के तीन आउट हो जाते थे। तो आई थिंक इट विल बी अ बैटल ऑफ न्यू बॉल, क्योंकि नया बॉल बुमराह स्विंग करेगा, इधर से शाहीन स्विंग करेगा, और शामी जो है इज मोर ऑफ अ कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ बॉलर, इधर से नसीम शाह विल बी समबडी हु इज विल बी ट्राइंग टू बॉल मोर कंसिस्टेंटली ऑन द लेंथ, और फिर उसके बाद सिराज और हारिस, ऑब्वियसली हारिस हैज दैट एडवांटेज क्योंकि वो पेस का बॉलर मेरा नहीं ख्याल के इंडिया के पास है हारिस जैसा। सो यू नो इट इज मोर ऑफ अ न्यू बॉल, के न्यू बॉल पे दोनों टीमों का क्या इंपैक्ट आता है, और वो चीज हमने वर्ल्ड कप में भी लास्ट देखी कि जब ऊपर से इंडिया के आउट हुए हैं तो इंडिया है स्ट्रगल और पाकिस्तान के आउट हुए तो पाकिस्तान है स्ट्रगल। सो आई थिंक इन बोथ केसेस पहला नया बॉल जो है दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वाह भाई थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए, हमें शो पे अपने साथ स्क्रीन स्पेस देने के लिए, और जो आपने बातें कही हैं, और जलमी टीवी ऑफ कोर्स ये ऐसे ही आगे और भी, एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, बहुत सारी क्रिकेट होनी है अगले 2-3 महीने में, आपसे और बातें होंगी और मुलाकातें होंगी। थैंक यू वेरी मच वाह भाई, थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच विक्रांत भाई, गुड टू हैव यू हियर, और ऑब्वियसली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू द इंडियन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, टू बी वेरी आई वुड से, सो ऑलवेज आई हैव लिसनड टू यू गाइस, बट इट वाज गुड टू हैव यू ऑन बोर्ड टुडे एज वेल, एंड हैड अ वंडरफुल टाइम, होप यू गाइस हैव एंजॉयड टू, आगे और मजा आएगा, अब तो बस हम करते रहेंगे आपके साथ। करेंगे जी, करेंगे जरूर, वी विल डेफिनेटली। चलिए प्लीज टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू।